आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शाहजहांपुर से बबलू खान की खास खबर पर एक नजर। रंगदारी न देने पर युवक को मारी गोली। शाहजहांपुर के अजीजगंज इलाके में हड़कंप मच गया, जहां दिन दहाड़े युवक को रंगदारी न देने पर गोली मार दी गई। दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया प्रदेश को आरोप मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही बेलगाम अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं रहा, जिसका उदाहरण आज जिला अस्पताल गेट के सामने देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े एक युवक को क्षेत्र के कुछ रंगदार युवकों ने मात्र इसलिए गोली मार दी कि वह उनके द्वारा मांगी जा रही रंगदारी का विरोध कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक की तहरीर दर्ज करके जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। नंबर एक के मतलब प्राउड आदमी बदमाशगिरी हमारे भाई से सिलाई के काम करके आ रहा था, उससे मांगे 3,000 रुपए, उन्होंने रंगदारी मांगते हैं रोड डेली, अगर नहीं देते हैं तो उसे मारपीट करते हैं, शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं। परेशान को मारा, मारने पीटने के बाद में यहाँ जब आया हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, चौकी भी है, वहाँ से रिपोर्ट लिखाने के बाद में घर पर मेरा भाई बेटा बेटा सुबह को दवाई लेने आया, दवाई लेने के बाद में यहाँ उसे रोका रास्ते में। यहाँ आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शाहजहांपुर से बबलू खान की खास खबर पर एक नजर। दबंगों द्वारा दौड़ाया गया पुलिस और लेखपाल को। शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया। गांव जमीलापुर में जब एक गरीब आदमी ने अपने खेत की पैमाइश के लिए पुलिस और लेखपाल का सहारा लिया, तो एक दबंग फौजी ने दरोगा और लेखपाल को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगा। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो पीड़ित को भी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। फिर आज पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में आकर एडीएम एफआर को ज्ञापन दिया। कारण है कि जो जमीन माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसी कारण आना पड़ गया हमको। और ये है कि जो जमीन माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो अधिकारी जाते हैं उनके ऊपर बंदूक सूदी कर दिया जा रहा है। जो अधिकारी जाते हैं वो उल्टे पैर भाग रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उल्टे पैर भाग रहे हैं, क्यों नहीं जमीन कब्जा छोड़ा जा रहा है? का कहना है कि कल कोई राजस्व की टीम पुलिस के साथ वहाँ जमीलापुर में पैमाइश के लिए गई थी, उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसके बाद टीम वहाँ से भाग गई। मैंने इस बारे में एसडीएम से बात की है, एसडीएम कई रूप से अवकाश पर थे, तो मैंने घटना से संज्ञानित किया है। अगर ऐसी घटना हुई है तो तत्काल जो दोषी लोगों उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और स्वयं SDM और CO को साथ लेकर इस गाँव में जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी लोगों? तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी और अगर उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई अगर समाज में करते हैं तो और भी जो अपेक्षित कार्रवाई वो होगी। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए, आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए BS क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।